नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम करेंगे पहले आने वाले वर्ण लिखे। जैसा कि हमने कल करवाया था व्यंजन, तो व्यंजन आपने अच्छे से कर लिए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे। अच्छा, तो आज हम करेंगे पहले आने वाले वर्ण लिखे। तो जैसे ये क्या है, आ। आ से पहले क्या आता है, ए। तो आपने यहाँ पर ए लिखना है। अभी यहाँ पर है गै, तो गै से पहले क्या आता है। जैसे एक बार मैं यहाँ आपको समझाती हूँ अच्छे से। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था गै, गै से पहले आने वाला अक्षर कौन सा है, ये खै। ऐसे ही जैसे झै से पहले आने वाला अक्षर कौन सा होगा, जो झै से पहले आता है, ठीक है। और डै, डै से पहले आने वाला अक्षर कौन सा है, ठै। अगर मैं लिखूं ठै से पहले लिखो, तो ठै से पहले क्या आता है, टै। ये तो हो गए पहले आने वाले अक्षर वर्ण। जो अगर लिखना हो कि बाद वाले वर्ण लिखें, तो कैसे लिखेंगे आप। जैसे मैंने लिख दिया गै, गै के बाद क्या आता है, घै। तो आपने गै के बाद लिखना है घै। अगर जय लिखा है, तो जय के बाद आप लिखेंगे जय। और पहले, जय से पहले लिखना हो तो श आएगा, श क्षत्रि। अगर जय के बाद वाला अक्षर लिखना हो तो आएगा झ झंडा, ठीक है। अगर आपने लिखने हो बीच वाले वर्ण, तो आप कैसे लिखेंगे। मान लो कि मैंने लिख दिया श क्षत्रि और झ झंडा, तो इनके बीच में कौन सा वर्ण है, ज जग। ऐसे ही तो आज मैं करवा रही हूँ आपको पहले आने वाले वर्ण लिखें। तो ये क्या है, गै। गै से पहले क्या आता है, खै। खै से खरगोश। झै, झै झंडा। झै झंडा से पहले क्या आता है, क्या आता है, ज जहाज। ठै ठठेरा। ठै ठठेरा से पहले क्या आता है, टै टमाटर। अगर हमने लिखना हो बाद वाले अक्षर लिखें, तो ठै ठठेरा के बाद क्या आता है, डै डमरू। तो आज हम कर रहे हैं पहले आने वाले अक्षर। धै धनुष। धै धनुष से पहले क्या आता है, दै से दवात। फैफल। फैफल से पहले क्या आता है, पै से पतंग। भैभालू से पहले आता है, बै से बतख। रैरथ से पहले आता है, यह से यज्ञ। शलगम से पहले क्या आता है, वै से वक। है से पहले क्या आता है, स सपेरा। और शर्मिक से पहले क्या आता है, ज्ञानी, ठीक है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ना कि सिर्फ पहले आने वाले वर्ण, बल्कि आपको बाद में आने वाले वर्ण का भी पता चल गया होगा और बीच में आने वाले वर्ण का भी पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने फिर नोटबुक में अच्छी राइटिंग में, अच्छी लिखाई में करना है, और इसको याद भी करना है और चेक भी करवाना है। थैंक यू।